पंच महाभूत जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो ये पांचों तत्व भी बोलते हैं इनको। और ये पंच तत्व ये शरीर को चलाए हुए हैं, शरीर को पकड़े हुए हैं, जिस कारण से आपका शरीर पूरा बैलेंस रहता है, बुद्धि शुद्ध रहती है, अच्छे विचार होते हैं। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए, खराब हो जाए, कि कभी पृथ्वी तत्व बढ़ गया, कभी जल तत्व बढ़ गया, कभी अग्नि तत्व बढ़ गया, कभी आकाश तत्व बढ़ गया, कोई भी तत्व अगर कोई बढ़ेगा कोई कम होगा, तो आपके शरीर के अंदर रोग पैदा होने शुरू हो जाएंगे, शरीर में कष्ट पैदा होने लगेंगे, आपको दिमाग के अंदर भी दिक्कत आने लगेगी, मन के अंदर भी नेगेटिव होने लगेगा। प्रत्येक तत्व का बहुत ज़्यादा अहमियत, बहुत ज़्यादा रोल होता है इस शरीर के अंदर, क्योंकि जो जल तत्व होता है वो लगभग 70% के आसपास होता है इस शरीर के अंदर, 70-71%। बाकी जो होते हैं वो पृथ्वी तत्व, उसका तो आपको पता ही है, ये सारा का सारा जो ढांचा खड़ा हुआ है ये पृथ्वी तत्व के कारण से है। और अग्नि तत्व, उसके बिना तो आप भोजन ही नहीं पचा सकते, कैसे आगे बढ़ेंगे भोजन के बिना, वो तो जठराग्नि के रूप में विद्यमान रहता है। वायु तत्व, ये आपके शरीर में प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान नाग कुरुम करकाल देवद धनंजय, ये आपके शरीर को बैलेंस करते हैं, कि रक्त के अंदर चलाने से लेकर के श्वास अंदर बाहर जाने तक, अगर उसका एक भी बैलेंस बिगड़ जाए, अगर आपकी एक भी नाड़ी तंत्र रुक जाए, परवाह ना हो उसका प्राण का, बस खत्म शरीर, कुछ नहीं बचेगा। वायु तत्व, वो उसका बहुत ज्यादा अहमियत होती है, आपके कान है और है, बहुत बहुत प्रभाव होता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व वो सूक्ष्म रूप में शब्द के रूप में विराजमान रहता है, स्थूल रूप में आपके सामने है, कि आकाश के बिना शरीर चल ही नहीं सकता, कुछ काम ही नहीं करेगा। अगर आपकी नाक को बंद कर दिया जाए, मुंह को बंद कर दिया जाए, कानों को बंद कर दिया जाए, आंखों को बंद कर दिया जाए, कैसे चलोगे आप, कैसे कार्य करोगे, सबके सब रास्ते आपके ब्लॉक कर दिए जाए, क्या करोगे, समाप्त जीवन लीला। तो पांचों तत्वों का प्रॉपर तरीके से बैलेंस जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा नंगे पैर चलो बैलेंस हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं धोने के ऊपर बैठ जाओ बैलेंस हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं दीपक को ऐसे करके लगाओ बैलेंस हो जाएगा अग्नि, ऐसे बैलेंस नहीं होगा शरीर का, ये पांच तत्वों का। कुछ लोग बोलते हैं झाड़ा लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस नहीं है, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। जो बैलेंस होता है वो योग के द्वारा होगा। आप श्वास के ऊपर पकड़ शुरू कीजिए, और जब श्वास के ऊपर पकड़ शुरू होगी तो आपका प्राणायाम शुरू हो जाएगा। आप अनुलोम विलोम शुरू कीजिए, आप कपालभाति कीजिए इससे, और अश्वनी मुद्रा कीजिए, तीनों शरीर के अंदर तीनों बंद लगाइए, तो आप जब योग करेंगे तो वो आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देगा। सूर्य से ऊर्जा लीजिए, जो प्राणायाम है वो कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, उससे आपका जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा बॉडी बैलेंस करने लगेगी,
और सबके सब तत्व प्रॉपर तरीके से जिसकी जितनी एवरेज चाहिए शरीर के अंदर उतनी होगी। तो जब उतनी मात्रा हो जाएगी तो शरीर के अंदर रोग भी कम होंगे, शरीर के अंदर जोश भी बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी, विचार भी मजबूत होंगे, बुद्धि भी मजबूत होगी और आपका जीवन उत्साह से भरा रहेगा। जब आप ये असुनी मुद्रा करोगे ब्रह्मचर्य से लेकर के, और आपके अंदर के जो विकार है ये बहुत मजबूत कर देगी आपको आजातम में भी, और ये पांच तत्वों का जो ये शरीर है इसके अंदर भी आपको अलग से प्रभाव दिखने लगेगा। लेकिन ये योग साधनाएं बिना जो एक्सपर्ट है इन चीजों के, उनके साथ के बिना आपके अंदर विकार भी पैदा कर सकती है। पहले हमें ये चीजें सीखना होगा, इस योग को, ध्यान को सीखना होगा। ऐसे प्राणायाम करने लगे एकदम से बिना अभ्यास के सांस रोक करके बैठ गए तो वो श्वास नाड़ी तंत्र के जरिए ऊपर चढ़ जाएगा और आपकी दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। बहुत खतरनाक होता है कि बिना वेदी के, बिना जानकार के, बिना एक्सपर्ट के साथ के कोई भी कार्य करना। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे एक एक पॉइंट का, एक एक योग का, जब हम अभ्यास करेंगे आभास होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर ही बता देगा कि पांचों तत्व पुष्ट है। आपके अंदर बहुत जोश रहेगा, होश रहेगा, उमंग होगा, उत्साह होगा, हौसला होगा, चेहरे पर मुस्कान होगी, चेहरे पर तेज होगा और हर समय आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे, नेगेटिविटी नज़दीक नहीं आएगी और आप बहुत मजबूत होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो बैलेंस करने का जो तरीका है, इसके अलावा और भी बहुत से हमारे ऋषि मुनियों ने खोज किए हैं, जो जिस प्रकार से कई मशीनें हाथ से काम करती हैं, कई मशीनें ऑटोमेटिक चलती हैं, उसी प्रकार से जो हमारे सिद्ध हैं उनकी मशीनें, उनके शरीर ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं। तो जब आप उनके सानिध्य में आते हैं, उनके दायरे में आते हैं, वाइब्रेशन में आते हैं, उनकी रेंज में आते हैं, तो आपके शरीर भी उनसे चार्ज होने लगते हैं और अपने आप वो तत्व पुष्ट होने लगते हैं, आदान प्रदान होने लगता है। तो आप इन चीज़ों को जब प्राणायाम आदि को करने लगेंगे तो धीरे धीरे जब आप समय बढ़ाएंगे तो ये पांचों के पांचों तत्व मजबूत होंगे, आप अनुभव होगा और जीवन भी बदल जाएगा। और जब आपका जीवन बदल गया तो आप भी लाखों लोगों का जीवन इस क्रिया से बदल सकते हैं।